राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे प्रदेश के जितने भी युवा क्लर्क के लिए सिलेक्ट हुए हैं, मैं कृष्णा परिवार की ओर से उनको बधाई देता हूं। वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे संस्थान के जितने बच्चे क्लर्क भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं, उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। बच्चों, जैसा आप लोगों को पता है, कृष्णा क्लासेज जब से स्थापित हुई है, लगातार नए रिकॉर्ड्स जो उसने कायम किए हैं, लगातार बहुत अच्छे रिकॉर्ड जो हैं उसने कायम किए, बहुत अच्छे रिजल्ट सबसे हर भर्ती में दिए हैं। चाहे वो बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वीएस के क्षेत्र में, वीएलडीए के क्षेत्र में हो, चाहे एचएससी हो, एसटेट हो, या डीएसएसबी वगैरह हो, केवीएस हो, हर फील्ड में कृष्णा क्लासेज के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया है, तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो बच्चों, जो बच्चे क्लर्क में सेलेक्ट हुए हैं, फिलहाल बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने दिया है, हम बार बार उसके लिए आपको बधाई देते हैं, आपके अभिभावकों को बधाई देते हैं। जितना आपने मेहनत की, जो हार्डवर्क किया, उसको हम जो प्रशंसा करते हैं उसकी। और बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे संस्थान के कृष्णा क्लासेज के जो बच्चे क्लर्क में सेलेक्ट हुए और ऑफिस की तरफ से किसी तरह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, जो रह गए बच्चे, तो वो बच्चे जो हैं वो ऑफिस का जो आप नंबर जानते हो उस पे कांटेक्ट करें। ये जो ऑफिस का नंबर है 9728082172 जो है, इस पे आप जो है जरूर कांटेक्ट करें। जो बच्चे किसी कारण से रह गए हैं, मतलब जिनका ऑफिस की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो मेरा उनसे अनुरोध है बच्चों, और उनसे विशेष तौर पे ये भी कहना चाहता हूं मैं, कि वो ये ना सोचें कि एकेडमी में जाना पड़ेगा तो मिठाई लेके जाना पड़ेगा। बच्चों, मुंह मीठा हम करवा देंगे, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ कॉन्टेक्ट कीजिए, आइए। और जल्दी आप लोगों को सम्मानित करने का हम एक समारोह जो है वो आयोजित करने वाले कार्यक्रम जो है वो बना रहे हैं। तो जितने कृष्णा क्लासेज के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आज से नहीं बच्चों, जब से एकेडमी स्थापित हुई तब से, उन सभी को सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है वो आयोजित करने जा रही है, उसकी एक प्लानिंग चल रही है। तो जितने बच्चे हैं जो पहले भी, जो बाई चांस किसी कारणवश आज कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो वो सारे कॉन्टेक्ट कीजिए, या जो आपके जानकार हैं बच्चों, उन बच्चों को बताइए वो हमसे कॉन्टेक्ट करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो है अकेडमी का आप जानते हो, 9728082172 जो नंबर है ऑफिस का, उस पर वो कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बच्चों, कि कल जो आप लोगों ने एक आंदोलन चलाया हुआ था, इस प्रदेश के सभी युवाओं से मैं ये निवेदन करता हूं कि कल आप लोगों ने जो एक आंदोलन चलाया था, #SpeakUpForHSCStudents, तो उसका रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया कि जो एचएससी दिन में काम नहीं करती थी, उसने रात के 12 बजे रिजल्ट डिक्लेयर किया क्लर्क का। तो बच्चों, ये आप लोगों का प्रेशर ही है एचएससी के ऊपर, जिसने एचएससी को मजबूर कर दिया रात में भी लिस्ट जारी करने का। बाकी इतने दिन से जो रिजल्ट पेंडिंग थे उन पे कोई काम नहीं हो रहा था, और तुरंत जो रिजल्ट जारी करना, ये आपके आंदोलन की सफलता को दिखाता है बच्चों। लेकिन हमें सिर्फ इतने से संतुष्ट होकर नहीं बैठना है, बहुत से बच्चे तो यहां संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे कि चलो एक रिजल्ट निकाल दिया, सिर्फ एक रिजल्ट निकला है बच्चों, बाकी जितने पेंडिंग रिजल्ट हैं वो सभी रिजल्ट चाहिए। तब तक लगातार जुटे रहिए, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके जो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यहीं बैठे, सोशल मीडिया आपका एक बहुत बड़ा हथियार है, उस पर लगातार इस अभियान को चलाते रहिए, जब तक कि आपकी जो सारी चीजें वो प्रॉपर नहीं हो जाती, चाहे वो आपके पेंडिंग जो भर्तियां उनके रिजल्ट डिक्लेयर होने की बात हो, चाहे एचएससी के द्वारा शेड्यूल जारी करने की, कैलेंडर जारी करने की बात हो, चाहे एचएससी के द्वारा आपका जो सिलेबस है वो निर्धारित करने की बात हो, या जो ऑफिशियल सही ढंग से काम को अंजाम नहीं देते, टाइम पे चीजों को नहीं करवाते, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात है, इन सभी को
जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तो लगातार आप ये चीजें जो हैं वो करते रहिए, ट्वीट करते रहिए बार बार। और बच्चों ये मत सोचिए, कई बच्चों को ये मन में वहम था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही जो है चला हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपने उसका परिणाम देख ही लिया, कल आप लोग एकजुट हुए तो उसके कारण एसएससी जो मजबूर हो गई रिजल्ट डिक्लेयर करने। अब ये एकजुटता लगातार बरकरार रखनी है आपको बच्चों, लगातार, जब तक हमारी सारी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो जाती। लेकिन यहां मैं एक विशेष तौर पे एक बात कहना चाहूंगा, अपनी भाषा सीमित रखिए, मर्यादित रखिए, क्योंकि आप सब जो है वो शिक्षित जन है, एजुकेटेड है, किसी भी तरह की अभद्र भाषा का और असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें। और इसके अलावा एक बात और विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन को राजनीतिक रूप न लेने दें, क्योंकि जिस आंदोलन ने राजनीतिक रूप लिया वो कभी सफल नहीं हो सकता बच्चों। इसे सिर्फ युवाओं का आंदोलन या आमजन का आंदोलन ही बना रहने दें। आप किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, दैट डज नॉट मैटर, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और अपने हक के लिए हमें एक मंच पे खड़ा रहने की जरूरत है। तो बच्चों जो हमारा चला हुआ अभियान #speakupforhscstudents, उसको लगातार बढ़ाते रहिए, जब तक कि सारी मांगे जो हमारी पूरी नहीं हो जाती। तो बच्चों क्योंकि ये आपके पास सोशल मीडिया ऐसा हथियार है जिसके जरिए आप जो है सरकार पे दबाव बना सकते हो, अपनी मांगे जो मनवा सकते हो, और इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से, सभ्य तरीके से, बगैर किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किए हमें ये आंदोलन जो है सिरे चढ़ाना है, जब तक कि हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती बच्चों। अब सिर्फ एक छोटे से रिजल्ट से, एक रिजल्ट डिक्लेयर होने से हमें जो है उत्साहित होकर बैठना नहीं है बच्चों, बल्कि और गति देनी इसको, और लगातार लगे रहिए, ट्वीट करते रहिए, और एक जो हैशटैग है वो भी सबका सेम होना चाहिए बच्चों। कल जो ज्यादा ट्रेंड किया था वो डिक्लेयर रिजल्ट था, रिजल्ट डिक्लेयर किया। अब इसके बाद जो है अगली जो प्लानिंग हमारी ये उसी से रिलेटेड होनी चाहिए कि #speakupforhscstudents, उसके अंदर चाहे वो सिलेबस की बात हो, चाहे शेड्यूल की बात हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैं आपसे आगे जो बात कर रहा हूं वो इस चीज पर कर रहा हूं कि जो बच्चे क्लर्क भर्ती में किसी कारणवश रह गए हैं, थोड़ा बहुत पिछड़ गए हैं, एक आध नंबर से, दो चार नंबर, पांच नंबर से, वो बच्चों उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। लगातार कोशिश करते रहिए और इससे भी अच्छी पोस्ट पे जो है वो आप सेलेक्ट हो जाइए, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो बच्चों लगातार लगे रहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की होकर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लगातार कोई काम करते हैं, बिल्कुल लगातार अगर चलते रहते हैं तभी हमें सफलता मिलती है बच्चों। और कई बच्चे जो ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं या क्लर्क भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं और वो इनसे भी ज्यादा योग्यता रखते हैं, जैसे कोई जो है टीचर्स के लायक है, कोई किसी बड़ी पोस्ट के लायक है, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा वो भी सेटिस्फाई होकर ना बैठें, वो लगातार मेहनत करते रहें। और जल्दी आप लोगों के लिए हम ऑनलाइन पेड कोर्स जो लेकर आ रहे हैं, ताकि वो जो भी जॉब में लगे हुए हैं, जो किसी कारणवश जो हैं उनको अब छोटी भर्ती जो है, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे क्लर्क की हो, जो हालांकि उनकी क्वालिफिकेशन के अनुरूप नहीं थी लेकिन ज्वाइन करनी पड़ी है, वो लगातार आकर एकेडमी में नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए हम पेड कोर्स जल्दी जो लॉन्च करेंगे। अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए और जो आपने टारगेट सेट किया उस तक पहुंचिए। तो बच्चों मैं फिर आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो कृष्णा क्लासेज के बच्चे हैं कि उनको सम्मानित करने का जो प्लान हम बना रहे हैं बच्चों, तो जो 11 नवंबर 2013 से अब तक जितने ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो कांटेक्ट करें। वैसे तो देखो ऑफिस जो है उनको कांटेक्ट करेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर बच्चे रह जाते हैं बच्चों, तो आप भी कांटेक्ट कीजिए।
आप जो आप एकेडमी का नंबर जानते हैं 97-280-82-172 नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और अपने बारे में बताइए, ताकि फिर हम उनसे कांटेक्ट कर सकें और उनको जो है सम्मानित कर सकें। तो बच्चों और ज्यादा मैं क्या कहूं, एक बार फिर मैं जो क्लर्क में जितने भी प्रदेश से जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, उनको एक बार फिर बधाई देता हूं। धन्यवाद।